टेक्नोलॉजी दिस शो इज डिजाइन फॉर यू टू शेयर द रियल डेटा अबाउट द रियल वर्ल्ड यहाँ पे शेयर किया गया हर एक डेटा ऑथेंटिक है प्रिसाइज है आज के वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को तो पता चल ही चुका होगा की आज का टॉपिक क्या है आज जेका को लेकर डिस्कस करेंगे ए टू जेड जानेंगे इन डिटेल क्यों जेका देना पड़ता है फॉर्म कब आता है एग्जाम कब होता है सब जान लेंगे सो फर्दर एनी डिले लेट्स बिगिन सो जेका के बारे में डिटेल्स में जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जेका क्या है एंड क्यों हम लोग को ये एग्जामिनेशन देना पड़ता है सो बेसिकली इट्स एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एमसीए अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये वेस्ट बंगाल जॉइंट इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन बोर्ड 2012 से कंडक्ट कर रहा है एंड इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन में ही अवेलेबल होता है कहीं पे भी आपको जेका का फॉर्म ऑफलाइन में नहीं मिलेगा ऑनलाइन भरना पड़ता है एंड वहाँ पे आपको अपना आईडी डी फादर्स नेम मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में वो सब दे फॉर्म फिलअप करना पड़ता है क्यों डेट ऑफ बर्थ इम्पॉर्टेंट है वो मैं आगे आपको बताऊंगी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हम लोगों को एम सी ए क्यों परस्यू करना चाहिए कौन कौन लोग एम सी ए परस्यू कर सकते हैं देखिए अगर आपका नॉलेज एंड इंटरेस्ट दोनों सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस पे है लाइक जावा हो गया पी एच पी हो गया अगर आपको अच्छा लगता है देन आप एम सी ए परस्यू कर सकते हैं ये कोर्स परस्यू करने से आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है लाइक आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट हो सकते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं uh, मतलब कि जॉब तो हो ही गया जॉब आपको uh, जो भी अच्छा लगे आप जो भी पोस्ट मतलब डेजिग्नेशन पे करना चाहे जो काम करना चाहे ये सारे अपॉर्चुनिटीज तो है जो आप स्क्रीन पे अभी देख सकते इसके अलावा भी आप अपना खुद का भी कुछ कर सकते हैं बहुत सारे कंपनीज़ है जो एम सी स्टूडेंट्स को हायर करता है लाइक विप्रो हो गया इन्फोसिस हो गया इन्फोटेक आई बी एम एच सी एल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक्सेंचर कैपजी कॉग्निजेंट बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो एम सी स्टूडेंट्स को हायर करते हैं उनमें से कुछ फ्रेशर्स है कुछ एक्सपीरियंसड जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करता है यहाँ पे मैंने दे दिया है कि फॉर फ्रेशर्स लाइक बी टेक एंड एम सी ए फ्रेशर्स जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर ये जो सारे डेजिग्नेशन है सॉफ्टवेयर ट्रेनी सॉफ्टवेयर टेस्टर जो फ्रेशर्स है वो ये इन सारे डेजिग्नेशन पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पर मैंने दे दिया है ज़ीरो टू फाइव ईयर्स तो आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हैं पैकेज जो है आपका वन पॉइंट टू फाइव लैक्स टू सिक्स लैक्स का होगा पर एन एम के हिसाब से सो so, uh, जो फ्रेशर्स है जो फ्र, मतलब अभी हाल ही में एम करके जॉब के तलाश में है तो आप इन सारे डिजिग्नेशन पे अपना सीवी जमा कर सकते हैं ट्राई कर सकते हैं तो ये तो गया है एम सी ए क्यों देना चाहिए नाउ कमिंग बैक टू जेका डिस्कस करते करते एग्जाम पैटर्न समझेंगे एंड uh, तो जैसा कि मैं पहले बोल रही थी कि जेका uh, का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फ़िलअप करना पड़ता है इस साल जेका देने के लिए फॉर्म uh, फिलअप का लास्ट डेट जा चुका है सो तो, uh, जो लोग नए नए जेका के बारे में सुन रहे हैं एंड एग्जाम देना चाहते हैं वो अगले साल के लिए ट्राई कर सकते हैं सो so, जेका का जो फॉर्म है वो जनवरी टू फेबर के अंदर इस टाइम ड्यूरेशन में रिलीज किया जाता है एंड एग्जाम टाइमिंग जो है वो मई टू जुलाई में मतलब मई uh, मंथ से जुलाई मंथ तक डेट uh, डिक्लेयर uh, किया जाता है ज जैसा कि इस साल का जो एग्ज़ाम है वो एट जुलाई को है एंड एग्जामिनेशन टाइम है 12 टू टू पी एम यहाँ पे जरा गलती गया एग्जामिनेशन टाइम होगा यहाँ पे नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम पैटर्न जेका का जो एग्ज़ाम है उसका आंसर आपको वेमर शीट में देना पड़ता है वहाँ पे बबल ब्लास्ट करने होते हैं एंड इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं कैसे क्वेश्चन uh, को डिवाइड किया जाता है कैटेगरीज़ में वो देखते हैं बेसिकली दो कैटेगरी होते हैं एंड कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू कैटेगरी वन जो है उसमें एक क्वेश्चन कैरीज वन मार्क ओके एंड इस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगा एक गलत आंसर पे आपका 0.25 और माइनस वन फोर्थ भी कह सकते हैं ये मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा ठीक है टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इज एट्टी तो टोटल हो गया आपका एट्टी मार्क्स एंड कैटेगरी टू जो है उसमें ईच क्वेश्चन विल कैरी टू मार्क्स तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे हर एक क्वेश्चन दो नंबर का है एंड uh, यहाँ पे इस सेक्शन में कैटेगरी टू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चन इज़ ट्वेंटी तो यहाँ पे आपका 80 प्लस 20 100 क्वेश्चंस हो गया एंड इस सेक्शन में आपका टोटल रहेगा 40 मार्क्स तो टोटल एग्जाम होगा 120 मार्क्स का क्लियर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कैटेगरी वन है वहाँ पे जो आप लोगों का एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा सो वहाँ पे एक भी कॉम्बिनेशन अगर आंसर का आपका गलत हो जाता है तो वहाँ पे आपका ये माइनस वन फोर्थ डिडक्ट होगा एक भी आंसर अगर मतलब कॉम्बिनेशन में एक भी आंसर अगर रॉन्ग हुआ अगर आप सही भी करते हैं और उसके साथ एक गलत करते हैं तो ये नेगेटिव मार्किंग होगा कैटेगरी टू जो है उसमें अगर आप कॉम्बिनेशन में एक सही और एक गलत चूज करते हैं तो उसमें आपको जीरो काउंट किया जाएगा क्वेश्चन का ठीक है वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा यहाँ पे जेका का जो स्कोरिंग मेथडोलॉजी है वो मैंने दे दिया है एंड मैं अभी ब्रीफ भी कर दूंगी तो कैटेगरी वन जो है उसमें जिस तरीके से आंसर को काउंट किया जाता है वो ज़रा देख लेते हैं कैटेगरी वन में ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट जो आपका एम सी क्यू ये एग्जाम तो एम सी क्यू बेस्ड है एंड यहाँ पे जो आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे एक क्वेश्चन का उसमें कैटेगरी वन में एक ही करेक्ट आंसर है करेक्ट करेक्ट रिस्पॉन्स विल वन मार्क फॉर ईच क्वेश्चन अगर आप सही जवाब देते हैं एक जो ऑप्शन है उस पर क्लिक uh, मतलब टिक करते हैं तो यू विल गेट वन मार्क इनकरेक्ट रिस्पॉन्स विल येल्ड माइनस वन फोर्थ जैसे कि मैंने बोला कि अगर आंसर आपका uh, गलत हुआ तो वहाँ पे वन फोर्थ डिडक्ट किया जाएगा फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन ऑप्शन इफ इट कंटेन्स द करेक्ट ऑप्शन द सेड आंसर विल बी ट्रीटेड एज इनकरेक्ट एंड विल येल्ड वन फोर्थ नेगेटिव मार्क्स तो अगर कॉम्बिनेशन में आपका एक जवाब गलत हो गया ठीक है तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग होगा एंड जीरो मार्क विल बी अवॉइडेड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन अगर आप कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करते हैं तो वहाँ पे जीरो काउंट होगा फाइन कैटेगरी टू जो है उसमें वन और मोर ऑप्शन आर करेक्ट तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैटेगरी वन में एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा एंड कैटेगरी टू में दो आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं ठीक है एक क्वेश्चन के अंदर तो मार्किंग ऑल करेक्ट ऑप्शन ओनली येल्ड टू मार्क्स तो अगर आप देखिए अगर एक क्वेश्चन में दो सही आंसर है आप दोनों को टिक करते हैं ठीक है और करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको टू मार्क्स मिलेगा फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर कंटेनिंग वन और मोर इनकर द सेड आंसर विल बी ट्रीटेड एज इनकरेक्ट एंड इट विल येल जीरो मार्क्स इवन इफ और मोर द चोजन ऑप्शन आर करेक्ट तो कॉम्बिनेशन में अगर आपने एक सही आंसर दिया है और एक गलत आंसर दिया है तो वहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा वहाँ पे ज़ीरो मिलेगा ठीक है तो ये हो गया एक बात एंड नेक्स्ट इज फॉर पार्शियली करेक्ट आंसर वेन ऑल करेक्ट ऑप्शन आर नॉट मार्क्ड एंड ऑल्सो नो इनकरेक्ट ऑप्शंस आर मार्क्ड मार्क्स अवॉयडेड ये जो फॉर्मूला है ये मतलब अगर पार्शियल जो आंसर्स सही है लाइक आपने करेक्ट ऑप्शंस भी मार्क नहीं किया मतलब एक जो एकदम जो एक्यूरेट है उसको मार्क नहीं किया एंड ऑल्सो आप इनकरेक्ट आंसर्स को भी टिक नहीं किए जो पार्शियली करेक्ट है उसको टिक किया है तो उस क्वेश्चंस uh, में आपको ये वाला जो रूल है ये टू मल्टीप्लाइड ऑफ नंबर ऑफ़ करेक्ट ऑप्शंस मार्क्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल करेक्ट ऑप्शंस तो इस uh, जो ये जो रूल है इसके ऊपर बेस करके आपको मार्क्स दिया जाएगा एंड लास्टली ये जीरो मार्क विल बी एवॉयडेड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो कैटेगरी टू से कोई भी ऑप्शन आप टिक नहीं करते हो तो वहाँ पर आपको जीरो मिलेगा फाइन यहाँ पे मैंने और भी मतलब वो सेक्शन उठा के अलग से लिख दिया है सो so आपको अच्छे से समझ में आ जाए ताकि तो मैं यहाँ पे ज़रा पॉज करती हूँ एंड देन वी विल गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड ओके okay, सो so अब आते हैं रैंकिंग मेथ्रोलॉजी एंड पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट में जेका का जो रिजल्ट है मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा स्कोर क्या है आपका वो पब्लिकली डब्लू बी बी पब्लिश नहीं करता है आपका जो स्कोर है जो रैंक है आप वेबसाइट में जाएंगे पासवर्ड देंगे आईडी देंगे तो आपका रिजल्ट आएगा पब्लिकली कोई भी रैंक पब्लिश नहीं किया जाता है ये जो रैंक है ये जनरल मेरिट रैंक के बेसिस पे आ, किया जाता है आपका रैंक अगर कट ऑफ के मतलब आपका कट ऑफ के हिसाब से स्कोर जो है उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक आगे आएगा अगर अच्छे है तो और अगर अच्छे उतने अच्छे नहीं आए तो रैंक पीछे आएगा ठीक है सिक्वेंसिंग ऑर्डर ऑफ काउंसलिंग अलॉटमेंट ऑफ सीट एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन जी एम आर ओनली तो नो नॉट ऑन कैटेगरी रैंक्स तो जो ये एस सी एस टी ओ बी सी वाला जो सेक्शन है जो लोग इन uh, कैटेगरी से एग्जाम देते हैं तो उन लोगों का अलग से रैंक आएगा लेकिन जो सीट अलॉटमेंट है या एडमिशन प्रोसेस है वो जी एम आर के बेसिस में ही होगा मतलब जी एम आर में जी एम आर के अकॉर्डिंग आपका जो रैंक आ रहा है उसके बेसिस पे ही आप एडमिशन ले पाओगे अब आता है टाइप ब्रेकिंग मेथडोलॉजी इन मेरिट रैंकिंग तो ऐसा हो ही सकता है कि आपका एंड किसी और का स्कोर सेम हो इन दैट केस किसका रैंक पहले आएगा तो टाइप ब्रेक करने के लिए कुछ प्रोसेस है जिसको फॉलोअप किया जाता है तो मैं अब वही ब्रीफ करने वाली हूँ सो द फर्स्ट इज लेस नेगेटिव मार्क्स इन कैटेगरी वन क्वेश्चन जैसा कि मैंने बोला था कैटेगरी वन के जो क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग है तो अगर टाई होता है दो लोगों के बीच में तो ये पहले देखा जाएगा कि कैटेगरी वन में किसका कम नेगेटिव मार्किंग है ठीक है तो यह था पहला कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है मतलब इसको अप्लाई करके टाई ब्रेक नहीं हो रहा है देन सेकेंड uh, जो कंडीशन है उसको देखा जाएगा मोर मार्क्स इन कैटेगरी टू क्वेश्चन कैटेगरी टू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड देन दैट्स वाई वहाँ पे चेक किया जाएगा कि कैटेगरी uh, टू में किसके ज्यादा से ज़्यादा नंबर है ठीक है और इन दोनों के अलावा मतलब ये दो जो कंडीशन है अगर इन दोनों को अप्लाई करके भी uh, ये डिसाइड नहीं हो रहा है टाई ब्रेक नहीं हो रहा है तो थर्ड जो रूल है जैसा कि वीडियो के पहले मतलब शुरुआत में मैंने कहा था कि इस एग्ज़ाम में डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्यों अभी मैं वो बताने वाली हूँ थर्ड जो कंडीशन है वो यही है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ मतलब टाइप ब्रेकिंग के, के केस में जिसका डेट ऑफ बर्थ आगे है उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा ठीक है तो मतलब अगर दो जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करके टाइप ब्रेक नहीं हो रहा है रैंक डिक्लेयर नहीं किया जा सकता तो वहाँ पे देखा जाएगा कि दोनों का डेट ऑफ बर्थ क्या है जिसका आगे है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा आई गेस आई एम क्लियर हेयर सो नेक्स्ट कम टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है फर्स्ट कम्स सिटीजनशिप एप्लीकेंट मास्ट भी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एप्लीकेंट जो है जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको इंडिया का सिटीज़न होना पड़ेगा एंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर जाए तो पास्ट और एपियर्ड इन अंडर ग्रेजुएट लेवल फाइनल सेमिस्टर एग्जामिनेशन तो आप अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर है या पास कर चुके हैं तो हो ही जाएगा और अगर परस्यू कर रहे हैं फाइनल सेमिस्टर में है तो आप जेका के लिए बैठ सकते हैं जेका दे सकते हैं ले टू द नेक्स्ट स्लाइड डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बेंगॉल एंड एप्प्लीकेबल प्रोफॉर्मा ऑफ सर्टिफिकेट तो जेका जो है वो वेस्ट बेंगाल बेस्ड एग्जाम है तो आप वेस्ट बेंगाल के निवासी है ऐसा आपको प्रूफ करना पड़ेगा तो उसके लिए दो अलग अलग, अलग प्रोफॉर्मा है जिसको आपको फुलफ़िल करना होता है तो चलिए देखते हैं ओनली दो कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज डोमिसल ऑफ वेस्ट बेंगाल हु आर ईदर वन इज रिजाइडिंग इन वेस्ट बेंगाल कंटिन्यूसली एट लीस्ट फॉर लास्ट टेन ईयर्स एज ऑन थर्टी फर्स्ट ट्वेल्थ टू मतलब 2022 तक मतलब आपको वेस्ट बंगाल का निवासी तभी माना जाएगा अगर आप लास्ट दस साल से वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं एंड ये काउंट किया जाएगा कब तक थर्टी दिसंबर uh, 2022 अगर थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2022 तक आपका वेस्ट बंगाल में रहना मतलब uh, आप 10 साल से वेस्ट बंगाल के निवासी है तो आप प्रोफॉर्मा uh, ए जो है uh, वो फिलअप करेंगे एंड अगर ऐसा नहीं है आप 10 साल से वेस्ट बंगाल में नहीं रह रहे, रहे हैं तो आपके जो पेरेंट्स है हुज पेरेंट्स इज और आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ़ वेस्ट बंगाल हैविंग परमानेंट एड्रेस विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल तो अगर आप नहीं रहते हैं तो आपके पेरेंट्स को मतलब ऐसा प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स दस साल से वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं तभी आप जेका के लिए बैठ सकते हैं जेका दे सकते हैं ठीक है एंड इसके लिए आपको प्रोफॉर्मा बी जो है उसको फिलअप करना पड़ेगा एंड उसमें कुछ कंडीशंस है अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते हो देन आपके पेरेंट्स का वोटर आईडी आधार पासपोर्ट राशन जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है उनमें से किसी भी तीन जो डॉक्यू किसी भी दो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको दिखाना पड़ेगा ठीक है अगर आपका नहीं है आपके पेरेंट्स का एंड एस सी एस टी ओ बी सी जो कैटेगरीज है इन इस कैटेगरी से जो एग्ज़ाम्स देते हैं तो वो वेस्ट बंगाल से इशू किया गया किया गया जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी शो करेंगे तो भी चलेगा ठीक है मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप दस साल से वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं या फिर आपके पेरेंट्स रहते हैं सो नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये कौन कौन लोग इशू कर सकते हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दिया है इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ एनी रैंक और पोजिशन ठीक है ये सब आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं आप मैं यहाँ पे ज़रा पॉज करती हूँ आप देख लीजिए यहाँ पे कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर एंड ऑफिशियल्स नीचे मैंने बी सेक्शन में भी दे दिया है एम एल ए और एम पी आर नॉट एक्सेप्टेबल ठीक है ये एक इम्पॉर्टेंट uh, पॉइंट है आप uh, पहले वाले ए सेक्शन में जो लोग हैं उन लोगों से डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले सकते हैं नीचे वाला जो कैटेगरी है उसमें ये एम एल एम पी ठीक है uh, पंचायत सिस्टम और जी टी आई इनमें से कोई आपको ये uh, अगर इशू करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा अब एग्ज़ामिनेशन फीस पे आते हैं जेका का जो फी है वो जनरल कैटेगरी के लिए है 500 हंड्रेड एंड uh, जो एस सी एस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों का है 400 ओके okay. एंड यहाँ पे एक नोट मतलब इस साल का जो बुलेटिन है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि द फी वंस पेड इज़ नॉट रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेज तो अगर आप एक बार फी पेमेंट कर देते हैं तो वो आ, कभी मतलब किसी तरीके से भी रिफंडेबल नहीं है रिफंड नहीं होगा अब जेका का सिलेबस जो है उसको डिस्कस करते हैं जेका का सिलेबस आ, लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था ठीक है पहले एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता था एग्ज़ाम्स के तीन महीने पहले अनाउंस किया गया कि सिलेबस चेंज हो रहा है तो जो आ, पिछले साल जेका दिए थे उन लोग के लिए बहुत मुश्किल हो गया था तो अभी जो नया सिलेबस इशू हुआ है उस पर आप देख सकते हैं कि पहले सी प्रोग्रामिंग हो गया ऑब्जेक्ट व प्रोग्रामिंग इसमें मैंने पूरा डिटेल्स दिया है अगर आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीन ले सकते हैं तो ये सिलेबस है एंड नेक्स्ट यहाँ पे यूनिक्स डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स उसमें जो सारे टॉपिक्स है आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप जे का देना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया कंप्यूटर नेटवर्क हो गया ठीक है तो हम यहाँ पे आप पॉज करके स्क्रीन ले लेना एंड नेक्स्ट डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मशीन लर्निंग तो ये जो सारे दस टॉपिक है उनके अंदर सब uh, टॉपिक्स भी दिया गया है तो ये सारे आपको प्रिपेयर करने हैं अगर आप uh, जे का देना चाहते हैं तो नाउ लेट्स कम टू एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन देखिए ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन का ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है ठीक है जैसे कि आप पहले दे सकते देख सकते हैं कि बी और बी टेक ठीक है जैसे कंप्यूटर साइंस और आई टी जाधवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो इसको मतलब एलिजिबल नहीं मानते हैं देन कैलका यूनिवर्सिटी इसको एलिजिबल लेते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट मैंने दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जिस कैटेगरी से आते हैं मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना था अंडर ग्रेजुएट कोर्स में मैथमेटिक्स का स्कोर क्या था अंडर ग्रेजुएट पे एग्रीगेट कैसा था ट्वेल्व का मैथमेटिक्स स्कोर इन क्लास ट्वेल्व एग्रीगेट इन क्लास टेंथ मैथमेटिक्स स्कोर इन क्लास टेन तो ये सारे क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे इस साल का एडमिशन होगा तो आप यहाँ पे देख लेना कि आप कैटेगरीज uh, के अंदर आते हैं या नहीं यहाँ पे uh, सिर्फ मकाउट एंड अदर्स जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिया गया है इसमें ही सिर्फ आपका मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मैथ्स uh, का नंबर ज़रूरी नहीं है नॉट एप्लीकेबल ठीक है तो आप uh, एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं था ग्रेजुएशन पर तो यहाँ पे आप देख सक, देख लेना कि आप कौन से कैटेगरीज में आ रहे हैं एंड आप जिस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन uh, लेना चाहते हैं uh, उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं सो वी हैव ऑलमोस्ट कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो वी गॉट फ्यू क्वेश्चन इट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज

Uh, तो आप अभी से खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस जो है कंप्यूटर साइंस से है जो भी क्वेश्चन होंगे वहाँ से ही होंगे तो थ्रू आउट अच्छे से स्टडी कीजिए अगर और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और ग्रूमिंग की जरूरत है देन यू कैन ज्वाइन एनी ट्यूशन फॉर राइटिंग द एग्जाम नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग फिजिक्स फ्रॉम कैलका यूनिवर्सिटी कैन आई राइट फॉर जेका येस यू कैन राइट फॉर जेका आई एम परसुइंग जियोग्राफी ऑनर्स आई गॉट सिक्सटी इन मैथ इन ट्वेल्थ आई डिट है कम्प्यूटर एप्लीकेशन एम आई एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम सी जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि जो सिलेबस uh, है वो कंप्यूटर साइंस से है तो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन था ट्वेल्थ में देट दैट विल नॉट काउंट क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर साइंस का तो आप एग्जाम uh, दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो सवाल है ये बहुत सारे लोगों ने पूछा था तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ मच मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू गेट अ रैंक विद इन सिक्सटी इन जेका देखिए सिक्सटी के अंदर रैंक आने से जादवपुर यूनिवर्सिटी में चांसेस मिलता है एडमिशन मिलता है ये सबको पता है लेकिन 60 रैंक लाने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है वो पहले से मतलब नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर और आपका जो रैंक आएगा वो जनरल मेरिट रैंक जी ए जो है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा तो ये पहले से बताना कि 60 के अंदर रैंक लाने के लिए कितने मार्क्स ज़रूरी है ये पहले से बताया नहीं जा सकता ठीक है तो आई गेस I am clear here. Next question is B.Sc passed in general course, uh, not honors. Okay, satisfies all eligibility criteria. Am I eligible? See, आपके question में ही आपका answer है कि आप जो सारे criteria है J.K. देने के लिए आप वो fulfill कर रहे हो. Then yes, you are eligible for writing J.K. Next question, ये आखरी सवाल है and uh, important है. Am I eligible for जेका I am from Jharkhand and don't have domicile of West Bengal. देखिए इसके बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस किया है जो प्रोफारमा एंड प्रोफॉर्मा बी है उसको आप ध्यान से सुन लीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो और एक बार सुन लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत मतलब डिटेल में समझाया है यहाँ पे मैं फिर भी बोल बोल देती हूँ कि देखिए अगर आप वेस्ट बेंगाल से बिलोंग नहीं करते हो तो इन दैट केस आपके जो पेरेंट्स हैं उन लोगों का कुछ डॉक्यूमेंट्स शो करना पड़ेगा कि वो लास्ट टेन ईयर्स से वेस्ट बंगाल के निवासी है वो आधार कार्ड हो सकता है राशन कार्ड हो सकता है वोटर कार्ड हो सकता है पासपोर्ट एंड इन केस जो कास्ट सर्टिफिकेट है आ, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है अगर आप वो भी शो करते हो किसी भी तीन डॉक्यूमेंट आपको शो करना पड़ेगा आपके पेरेंट्स का ओनली देन यू कैन राइट फॉर जे का अगर आपका खुद का वेस्ट बंगाल डोमिसाइल नहीं है क्लियर So, आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और अगर इसके बाद भी कोई भी आप लोग का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो देन वी विल ट्राई टू आंसर दैट एंड आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले एपिसोड में टिल देन गुड बाय